टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, चाहे व्रत में बनाना हो या त्योहारों में या फिर सुबह सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी और चटपटा खाने का मन करे, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना आलू और मूंगफली से एकदम मजेदार सी रेसिपी। और देखने के बाद रोक नहीं पाएंगे आप अपने आप को बनाने से, ये मेरी गारंटी है। और साथ में मजेदार सी डिप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप साबूदाना का पाउडर। इसे मैंने भून के और रोस्ट किया, उसके बाद मैंने इसे कोसली पीस लिया है। और साथ में मैं लूँगी 1/4 कप मूँगफली, रोस्टेड मूँगफली का पाउडर, इसे भी कोसली पीसा है मैंने। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे 10 मिनट रेस्ट दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस ये थोड़ा सा गीला हो जाए और फूल जाए, इतना ही हमें पानी डालना है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। जब तक हमारा साबूदाना रेस्ट कर रहा है, तब तक हम डिप रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया फेटी हुई दही 1 कप। इसमें मैं डालूंगी रोस्टेड मूंगफली जिसको मैंने कोर्सली पीस लिया है, 2 हरी मिर्च फाइन चॉप, काली मिर्च पाउडर 2 से 3 चुटकी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेंधा नमक, इसे हम डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। साथ में मैंने तड़का लगाऊंगी। मैंने 1 चम्मच घी के अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, जिसे ठंडा कर दिया मैंने। और ये हम लगाएंगे इसमें। ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर से हम गार्निशिंग करेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता रखेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी डिप रेडी है। तब तक हमारा रेस्ट हो रहा है उसका, और अब हम बनाएंगे नाश्ता। मिक्सचर हमारा अच्छे से फूल गया है। और मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके और कद्दूकस करके लिया है। इसमें मैं डालूंगी सारी सामग्री को। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस, ये बहुत ही अच्छा इसे टेस्ट आता है। साथ में मैं डालूंगी 2 चम्मच कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, हरी मिर्च 3 से 4, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, अदरक 1/2 इंच टुकड़ा जिसे कद्दूकस करके लिया है मैंने, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, साथ में मैं डालूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार सेंधा नमक और धनिया का पत्ता 2 से 3 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने लिया है ये सामक का चावल, इसे इसकी कोटिंग करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हमें क्रिस्पी लगेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी सुंदर। हाथ में हम थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे। और आप अपना मन पसंद का आकार इसे दीजिए, गोल बनाइए, चपटा बनाइए या सिलेंडिकल शेप दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, और इसे कोट कर लीजिए। मैं तो सिलेंडिकल शेप दूंगी इसे। इस तरीका से हम कोट कर लेंगे और इसी प्रकार मैं सारे नाश्ता को रेडी कर लूंगी। इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, ये व्रत में खाने वाला तेल है। और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब मैं एक एक नाश्ता को इसमें डालूंगी। एक बार में उतना ही डालें जितना कि कढ़ाई में आ जाए। इसे हम थोड़ी देर तक हिलाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके मैं सारे वड़ों को उलट दूंगी। इसे अलटते पलटते हुए मैंने फ्राई कर लिया है, मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है ना, आप इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और इसी प्रकार मैं बाकी वड़ों को भी फ्राई कर लूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा सा स्वादिष्ट नाश्ता बन के रेडी है। एक ही सामग्री से मैंने वड़ा और कटलेट दोनों ही बनाया है। और व्रत में फ्रेंड्स, इस तरीके का लाजवाब नाश्ता यदि हमें मिल जाए तो हमें रोज ही व्रत करने का मन करे। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, कितना क्रिस्पी लग रहा है, देखने से मुंह में एकदम पानी आ रहा है। इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। थैंक यू।